नमस्कार, अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भरतकुंड में आयोजित जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इतना ही नहीं, अयोध्या के बारे में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये नई अयोध्या है, अगले वर्ष यहाँ हमारे राम आने वाले हैं। आप भी सुने। नए घाट दीपोत्सव का अलग आनंद इस बार दीपोत्सव होगा। तो भाइयों बहनों, लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप। और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा। सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं, इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच देर रात वाराणसी के सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 25 मिनट की मुलाकात की खबर सामने आई थी। लेकिन जब इस मामले पर मीडिया ने राजभर से पूछा तो राजभर ने मुलाकात वाली बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसके बारे में वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने की नीयत से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, ना कोई बात है। नहीं, देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है, 25 मिनट रात में मुलाकात हुई। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, ये गुपचुप का मुलाकात निकला, क्या निकला ये तो बता दीजिए। चर्चा औपचारिक चर्चा थी, क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं। आप तो बेटे लगातार बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का। देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था, शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? देखिए, हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी नेता बीजेपी सरकार के कामों को जनता के बीच ला रहे। इसी क्रम में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे और इस दौरान एक महिला ऐसा बोल गई कि उनका जवाब सुनकर सीएम योगी के मंत्री भी हैरान हो गए। यहां पर एक जनसभा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंच के सामने बैठी महिला से पूछा और जो जवाब महिला ने दिया उसे सुनकर सब हंसने लगे। इनको आप पहचानती हैं? आप लोग पहचानती हैं ना? पहचानती होंगी, ये प्रधान जी को पहचानती हैं? इनको पहचानती हैं?
इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका को नहीं जान, सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के। अच्छा, मुरादाबाद के कुंदरकी में पिछले दिनों सीएचसी प्रभारी अमित सक्सेना के ऊपर एक आशा ने अभद्रता का आरोप लगाया, तो वहीं इस खबर को आर्या न्यूज ने दोनों पक्षों की राय जानकर प्रमुखता से दिखाया था। बता दें कि सीएचसी प्रभारी ने जच्चा बच्चा केंद्र और झोला छाप डॉक्टरों का जिक्र किया था। उनका कहना था कि उनके यहाँ तैनात आशाओं के द्वारा प्राइवेट जगह पर डिलीवरी कराई जाती है, तो वहीं इस मामले को आर्या न्यूज की तरफ से विस्तार से दिखाया गया था। वहीं खबर दिखाने के बाद अब इस मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई और नए आए सीएमओ ने जच्चा बच्चा केंद्र और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और इस दौरान कुछ झोला छाप डॉक्टरों के अस्पतालों पर भी ताला लगाकर सील भी लगा दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक, सांसद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा स्तर पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हुए नजर भी आ रहे। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में आज माती स्थित बीजेपी के कार्यालय में यूपी की राज्य मंत्री और अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ मिलकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें केंद्र की सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का दावा भी किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, उसके लिए प्रेसवार्ता रखी गई थी, जो विकास कार्य गरीबों तक जन जन तक गए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बताना था कि हम लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास लेकर हम लोग इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई जातगत भेदभाव नहीं है, सभी के लिए काम हो रहा है। इसमें जो 9 कार्य उनके थे, उसमें हमारा राम मंदिर है वो बनाया गया। पहले कहा जाता था कि राम मंदिर कब बनाएंगे, अब हमारा वो बनकर तैयार हो रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है। काशी का कॉरिडोर है, 3 तलाक का मुद्दा है, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और हमारे मुस्लिम समाज की बहनों का काफ़ी हद तक समस्या का निस्तारण किया। साथ ही साथ धारा 370 है, 35A है और हमारे एम्स हॉस्पिटल बने हुए हैं और हमारे यहाँ जो गरीब कल्याण योजनाएं उन्होंने लागू की, जिसमें किसान सम्मान निधि है, आवास की बात है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात है, नल से जल की योजना है और हमारा एक्सप्रेस वे बनाए हैं। साथ ही साथ ही वंदे भारत चलाकर ट्रेन को उन्होंने रेलवे में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। आगरा में 11वें दिन भी किसान भूख हड़ताल लगातार जारी रही। एडीए इनर रिंग रोड थर्ड फेज की जमीन वापसी की मांग को लेकर किसान सदर तहसील परिसर में भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का अनशन खत्म कराने के लिए एडीए और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन मांग न माने जाने के कारण किसान भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब साल 2017 में इनर रिंग रोड का लेआउट कैंसिल हो गया, किसानों के 70% मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए। नियम के मुताबिक अधिग्रहित जमीन का 5 साल से उपयोग न होने पर किसानों को वापस कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, जिसकी वजह से 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर लगातार किसान डटे हुए हैं। इनर रिंग रोड घोटाला हुआ है जो जमीन के मामले में, और न तो प्रशासन सुन रहा है न शासन सुन रहा है। जबकि बसपा शासन काल में हुआ था, वह ऐसा लग रहा है कि ये भी बीजेपी वाले भी इस घोटाले में सम्मिलित हो रहे हैं, नहीं तो प्रशासन पर कार्रवाई करें। जब नाम उजागर हो गए भ्रष्टाचारियों के और दोबारा भ्रष्टाचार करवाना चाह रहे हैं ये, कि जमीन में दोबारा इसके पैसों में घोटाला हो और उसमें ये भी सरकार सम्मिलित रहे। इनर
रायबरेली से अगली खबर है, जहां पर पुलिस और भू माफियाओं के गठजोड़ से परेशान परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और माफिया और चौकी प्रभारी से जान बचाने की गुहार लगाई। ये मामला भदूखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज चौकी प्रभारी व्रजेंद्र सिंह पटेल और भू माफिया की साठगांठ का है। पीड़ित के अनुसार वो दोपहर भारत माता के मंदिर के निकट स्थित त्रयंबकेश्वर बालाजी मंदिर में दर्शन करने गया था, तभी विपक्षी गण सुनील कुमार मौर्य और व्रजेंद्र सिंह पटेल चौकी इंचार्ज मुंशीगंज आए और पीड़ित को बिना वजह भद्दी और अश्लील गालियां देने लगे और जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अरे हुआ बनत रहे मंदिर सफाई साफ सफाई करत रहे, वो दिन भंडारा रहा तो हम लोग साफ सफाई कर, पुलिस आए गए फिर मारी इनका भैया का, हम लोग लेबर, हाँ हम लोग लेबर हैं, हम लोग सामने मारपीट, हमें सामने मारपीट, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? हम लोग मना करें कि सर कहा है भैया मारा तो ना मारो, हम लोग नहीं सफाई करेंगे। क्या पुलिस भी आई थी क्या? हाँ पुलिस भी आई। अरे हुआ बनत रहे मंदिर समस्या यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं और समस्या हमारी ये है कि मुंशीगंज चौकी इंचार्ज ब्रजेंद्र सिंह पटेल ये कई बार आकर के वहाँ भारत माता मंदिर के पास त्र्यंबकेश्वर बालाजी मंदिर है वहीं पर कई बार आकर के हमको कई बार धमकाए हैं। मंगलवार सुंदरकांड होता रहता है, कई भंडारे वंडारे में आके धमकाए हैं। एक सुनील मौर्या हैं, वहाँ प्लाटिंग किए हुए हैं मंदिर से जुड़े हुए जगह में, ग्राम सभा में प्लाटिंग किए हैं, वही आए दिन उन्हीं के कहने पर चौकी इंचार्ज साहब आए और हमको गाली देने लगे भद्दी भद्दी और मारना शुरू कर दिए। फिर वहाँ पर ये कुछ हमारे साथ मजदूर हैं ये लोग भी थे इन्हीं के सामने, ये लोग बोले काहे मार रहे हो काहे मार रहे हो, उसके बाद मारना शुरू किए। किस लिए मारते? मारते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि मतलब सुनील मौर्य कहने पर हैं और कि तुम मंदिर पर क्यों आते हो, मंदिर पर हमको कहते हैं, हमको कहते हैं कि मंदिर पे तुम क्यों आते हो और सुनील मौर्या से समझौता कर लो। सुनील मौर्या वहाँ प्लाटिंग किए हुए हैं मंदिर से जुड़े हुए ग्राम समाज की जमीन पर प्लाटिंग किया उन्होंने। आजकल के युवाओं में रील का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा, युवा रील बनाने के लिए कानून भी हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। एक ऐसा ही वीडियो नसीराबाद थाने का वायरल हुआ है जिसमें सीएचसी नसीराबाद के सभी संसाधन इस्तेमाल किए गए। खास बात यह है कि वीडियो बना रहे युवाओं को कोई रोकने वाला भी अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं था। वो वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए एसीएमओ अंशुमान सिंह ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक के द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है, पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। हाँ ये मामला संज्ञान में आया है, वहाँ के अधीक्षक जो है वो यशो नसीराबाद को तहरीर दिए हैं, यशो नसीराबाद जो है जांच कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ अंदर थे लेकिन ये बाहर ही बनाई गई है, अब उसमें जांच की बात पता चलेगा कि कौन। यूपी के बुलंदशहर में 14 वर्षीय मूक बधिर नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया तो वहीं हैवान ने मूक बधिर नाबालिग को कुछ महीनों पहले हवस का शिकार बनाया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने यह दावा किया है कि पीड़िता 4 महीने की गर्भवती है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस ने पीड़िता को भी मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। ये थाना खुर्जा नगर है, इसके अंतर्गत का ये घटना है। पीड़िता जो लड़की है उसके परिजनों की शिकायत पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि वो लड़की जो है नाबालिग के साथ साथ वो मूक बधिर भी है, लेकिन उसने अपने परिजनों से शिकायत की जिस पर परिजनों ने थाने को जानकारी दी और इसमें मुकदमा लिख लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चूँकि ये इसने एक घृणित काम किया है तो इसमें कठोर से कठोर और शीघ्र से शीघ्र माननीय न्यायालय। जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के मौजूद उत्तर प्रदेश राज्य भंडार गृह पर सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने निरीक्षण किया।
तो वहीं पाया गया कि स्टॉक में भी कमी है और गंदगी के ढेर पर गरीबों का अनाज पड़ा हुआ है, जिसमें कंकड़ मिट्टी और अन्य चीजें पड़ी हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान ना तो वहां के अधिकारी रजिस्टर में पूरी एंट्री दिखा पाए और कई महीने होने के बाद भी रजिस्टर पूरे नहीं पाए गए। विधायक की काफी फटकार लगाने के बाद भी अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो कुछ बता नहीं सके और सिर्फ चुप्पी साधे रहे। बता दें कि गोदाम से उठकर राशन वितरण होने के लिए जनपद के हर गांव में जाता है, जहां पर गांव-गांव में राशन डीलर वितरण करते हैं, तो वो वहीं पर गरीबों को राशन तोल कर कम देते हैं। वहीं विधायक लक्ष्मी राज सिंह का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ शासन स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गेहूं या चावल कम नहीं है, रिकॉर्ड पूरा न होने की वजह से ये स्थिति ऐसी थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से स्टॉक पूरा है। किसी भी प्रकार के सरकार की योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, स्टॉक पूरा है। स्टॉक कहाँ पे है? मौके पे नहीं है, मौके पे पूरा स्टॉक है। चट्टे ऐसे होते हैं कभी कभी जो सेकेंडरी या रेक के माध्यम से चट्टे लगते हैं, वो इसी प्रकार के रह जाते हैं कि पूरे ना होने पाने की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो अधूरे पड़े हुए हैं। तो रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं है, रिकॉर्ड अधूरा है, रेक के काम की अधिकता की वजह से ना रिकॉर्ड अधूरा रह चुका है। लेकिन मेंटेन रहता है, अगर दो चार दिन का ही फिगर छूटी होंगी उसे पूरा करा देंगे। महीनों के नहीं है, जो पेज आप लोगों ने पलटे हैं वो ऐसा होता है, क्रमवार हम लोग उस चीज को मेंटेन करते हैं, गोदाम वाइज उसे मेंटेन किया जा सकता है। विधायक ने पलटे हैं, उन्होंने देखा है, उनके अकॉर्डिंग कि आपकी जो एंट्री है वो कई कई दिनों महीनों तक नहीं है। नहीं, वो गोदाम वाइज एंट्री पूर्ण है। मुझे लिखित में सूचना आई मेरे पास कि यहाँ जो है गोदामों में गड़बड़ है, लोग यहाँ धांधलीबाजी कर रहे हैं और ये मोदी जी योगी जी का जो गरीबों के लिए राशन है उसकी चोरी कर रहे हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम लोग की जिम्मेदारी कि चोरी ना हो और सही हाथों में, योग्यता के हाथों में जो राशन पहुंचना चाहिए, जिम्मेदारी हम सबकी। इसी नाते मैं यहाँ आया, मैं चलते समय मैंने SDM को भी जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो बताने लगी कि मैं जो है पेपर में हूँ, BEd के पेपर में हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको फ़ोन किया, यहाँ के जो इस भंडारण के जो राशिद बता रहे हैं, अपने निरीक्षक बता रहे हैं अपने आपको, उनके साइन भी नहीं, कई जगह उनके कई कर्मचारियों के साइन नहीं है इस पर। और सभी जितने भी जांच की जितने गोदामों में देखा, सब बीच में जो है सब खाली पाए गए, बीच बीच में खाली हैं सब। जिस प्रकार लोगों ने बीच में मतलब खाली कर लेते हैं ना उसको, चोरी जैसे चोरी आदमी कर लेता है, उस प्रकार से पाया गया। और पूछने पर कोई संतुष्ट जवाब आपके सामने, आप सबके सामने जवाब नहीं दे पाए वो लोग। मैं इस वक्त सिकंदराबाद क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित भंडार गृह पर मौजूद हूँ, जहाँ क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने छापेमार कार्रवाई की है और मौके पर मुआयना किया है, तो देखा गया है कि गेहूं चावल यहां से गायब मिला है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि रजिस्टर में भी एंट्री नहीं है, ना ही स्टॉक पूरा है और अधिकारियों की ये गड़बड़ी बताई जा रही है। मौके पर SDM संदीप केला जी भी पहुंचे हैं, जो कि इस टाइम DSO के पद पर तैनात हैं और लगातार निरीक्षण जारी है। क्षेत्र विधायक का कहना है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि घोटाला करते हैं। मैं इस वक्त जनपद कानपुर देहात पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लग गई जब मुठभेड़ के दौरान एक रेप का अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्त में आया अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं अभियुक्त के द्वारा की गई फायरिंग से एक निरीक्षक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। देखिए, हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत ये जो रामगढ़ नहर पुल के पास 7:15 बजे हमारे SHO शिवली माई फोर्स के साथ शाम को संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उस समय पे एक वाहन सवार व्यक्ति आ रहे थे, पुलिस को देखते ही तुरंत वापस मुड़ के मतलब बाइक तेज़ी से भगाने लगे, उसी भगाते वक्त वो फिसल के गिर गए। जब हमारे फोर्स जो है उनको मतलब पकड़ने के लिए आए थे, तब उन्होंने मतलब फायरिंग शुरू किया और जब हम थोड़ा सा पीछे हुए फिर पकड़ने गए थे। तो यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बिहार से पंजाब जा रही श्रमिकों से भरी बस टैंकर से टकरा गई। इस दौरान 2 महिलाओं सहित 10 मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को CHC गुलावटी में भर्ती करवा दिया गया है, तो वहीं 4 घायलों को हायर मेडिकल सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर से हम अम्बाला जा रहे थे बस में। क्या घटना हुई? ट्रक में और बस में एक्सीडेंट कर गया। लोहा पट्टी में जा रहे थे। क्या घटना हुई? बस ट्रक बचाने में बस वाला क्यों लगा है जी? किस किस चीज़ का एक्सीडेंट हुआ है जी? एक्सीडेंट किस किस वाहन का हुआ है? ट्रक में बस में ट्रक बचाने में। आगरा में शहर के चौराहों पर हर पल लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब यहां के चौराहों की इंजीनियरिंग शोध हो और समाधान खोजा जाए। मनोरम बाजार के डायरेक्टर और समाज सेवी राममोहन कपूर ने इस विचार को सामने रखते हुए इंजीनियरिंग कॉन्टेस्ट की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रतिभागी को 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आर एम कपूर साहब और उनकी संस्था क्लब 60 द्वारा ये ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों के सम्मान समारोह एवं सड़क सुरक्षा पर परिचर्चा के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने इस प्रकार का प्रोत्साहन परक कार्यक्रम हमारे कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया है और जिससे हमारे कर्मचारी और भी बेहतर तरीके से फील्ड में कार्य करेंगे। साथ साथ सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। आगरा की सिविल सोसाइटी द्वारा, आगरा के गणमान्य लोगों द्वारा ये बहुत ही सार्थक पहल है और मैं इस पहल की बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इसी प्रकार के प्रयास से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी बल्कि सड़क सुरक्षा में भी हम लोग अपने जो लक्ष्य। मिर्जापुर नगर विधानसभा के विधायक रत्नाकर मिश्र ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। विधायक रत्नाकर मिश्र ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आम आदमी की सोच बदल गई है, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा भी किया है, देश दुनिया में मोदी का सम्मान बढ़ा है। वही हमारा जो केंद्र का 9 साल बीता है और हमारा राज्य का जो है सभी योजनाएं मैंने बताया कि हमारा बिंदकारी दौर और मतलब तमाम तरह से जो विकास हुआ उसी के लिए मैंने यहां बुलाया। संदेश वही हमारा जो केंद्र का 9 साल बीता है और हमारा राज्य का जो है सभी योजनाएं मैंने बताया कि हमारा बिंदकारी दौर और मतलब तमाम तरह से जो विकास हुआ उसी के लिए मैंने यहाँ बुलाया। संदेश वही गोरखपुर में एक संस्था के द्वारा आश्रय पालना की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत से शहर में लावारिस बच्चियों की जान बचाई जाएगी। आश्रय पालना का स्लोगन है, फेंके नहीं हमें दे दें। इसी के जरिए लावारिस बच्चियों के जान बचाने का काम ये संस्था करती रहेगी। संस्था का नाम पूरा नाम है माँ भगवती विकास संस्थान है। इसके संचालक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल हैं। उन्होंने बताया कि पालने की शुरुआत अक्टूबर 2022 में गोरखपुर महिला जिला अस्पताल में की गई थी। पालने के जरिए संस्था लावारिस बच्चियों को पालता है जिनके परिजन अपनी नन्ही बच्चियों को पालना नहीं चाहते, वो आश्रय पालना में इन्हें छोड़कर चले जाएं, फिर बच्चों की देखरेख संस्था और अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। श्री देवेंद्र अग्रवाल जी जो हैं एक स्वयंसेवी समाज सेवी हैं जयपुर के। उन्होंने आश्रय पालना हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में एक वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इसकी विशेषता ये है कि जब कोई भी अपनी औलाद को उसमें छोड़ता है तो उसके 5 मिनट के बाद उसमें एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है जो हमारी आकस्मिक चिकित्सा इकाई से जुड़ा है। हमारी आकस्मिक चिकित्सा इकाई आकर के बच्चे को ले जाती है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण करती है, उसके पश्चात जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है। जिला प्रशासन बच्चे को नियमानुसार गोद लेने की कार्यवाही कराता है और इस कड़ी में अभी तक हमारे यहाँ अभी तक 3 माह पहले केवल एक बच्चे को एक सज्जन ने छोड़ा था और उसका किया गया है। ये एक बड़ी नेक पहल है। समाज के सभी लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि पहली बात तो अपने बच्चे को इस तरह से ईश्वर के सहारे न छोड़ी, उनका लालन पोषण कीजिए और अगर कोई लोक इलाज के भय से ऐसा कुछ होता है उसे इधर उधर फेंकने के बजाय उसे हमारे आश्रय पालना स्थल पर
छोड़ें जिसकी कि उसका भविष्य उज्ज्वल हम बनाने में अपना शक्ति। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर है जहां एक पोस्ट काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जहां पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तनातनी एक बार फिर से सामने दिखाई दी है। दरअसल पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर लगाए गए पत्थर पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष स्त्रोहन सोनकर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उद्घाटन के ऐन वक्त पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह के नाम का पत्थर तोड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। तो वहीं इस वीडियो को देखकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस वीडियो को बनाने वाला और कोई नहीं, महिला पुलिस कर्मी है। तस्वीरों में दबंगों की मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल दबंगों ने एक युवक को इतना ज्यादा पीटा जिससे उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।